फिल्म की शूट जहाँ पे हुई थी वहाँ पे कचौड़ी और समोसे बड़े फेमस थे बहुत. व्हाट डिड यू इंडल्ज इन? प्याज की कचौड़ी. प्याज की कचौड़ी. ओह माय गॉड. सो आप भी जब जाएंगे प्याज की कचौड़ी एंड देन टैग रोल्स. कहाँ से करूँ मैं शुरू? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. आई हैव गॉट रानी मुखर्जी इन फ्रंट ऑफ मी एंड साथ में मर्दानी टू. मतलब आई रियली डोंट नो वेयर डू आई बिगिन. मर्दानी के लिए आपने सुपर हार्ड वर्कआउट किया था लाइफ में. इस टाइम इट मस्ट हैव बीन डबल टफर. क्या क्या था वर्कआउट रेजिम में रानी? आई थिंक वर्कआउट यही होता है कि यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू लुक लिटिल स्टीली बिकॉज दे हैव टू बी ऑलवेज वेरी लाइक स्ट्रेट एंड इरेक्ट बैक. एंड वर्कआउट रेजिम वाज आल्सो टू मेक मी लुक स्लाइटली मोर लिटिल बल्कियर आई गेस. अच्छा, डू यू एवर थिंक कि कुछ कुछ होता है मुझसे दोस्ती करोगे के बाद ऑल ऑफ अ सडन ऐसे रफ एंड टफ वाला रोल कभी आप करेंगे? थ्रू आउट माई करियर मैंने एक काफ़ी अच्छा बैलेंस किया है. राइट फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म राजे का है कि बारा जहाँ पे आई वॉज अ रेप विक्टिम टू डूइंग ब्लैक टू डूइंग नो वन किल जैसिका फायरी जर्नलिस्ट स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन रोल्स एंड मर्दानी इज एन एक्सटेंशन एंड आई फील द ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट टू पोर्ट्रे द काइंड ऑफ करेज दैट दे ब्रिंग टू देयर प्रोफेशन एंड दे आर डीलिंग विद क्राइम डे टू डे. सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड आई थिंक लकी टू बी एबल टू पोर्ट्रे हर ऑन स्क्रीन. फिल्म की शूट जहाँ पे हुई थी वहाँ पे कचौड़ी और समोसे बड़े फेमस थे बहुत. व्हाट डिड यू इंडल्ज इन? प्याज की कचौड़ी. प्याज की कचौड़ी. सो आप भी जब जाएंगे प्याज की कचौड़ी एंड देन टैग रोल्स. अच्छा, द रियल लाइफ मर्दानी मींस द रियल लाइफ मर्दानी सुपर का ऑपरेशन त्यागी. व्हेन यू गॉट टू मीट हर, जब आपकी बातें उनसे चली थी तो इंटरनलाइजेशन के लिए आपने क्या किया? मतलब टू मीट देम हैज बीन सो इंस्पायरिंग. उनकी कहानियां सुन के इतना इंस्पायरिंग लगता है, यू नो, एज अ वुमन एंड यू फील सो प्राउड. जो वुमेन ऑफिसर्स की स्पिरिट है आई थिंक दैट इज इन शिवानी शिवाजी की रॉय. बिकॉज हम जब पुलिस ऑफिसर्स की बात करते हैं तो हमेशा एक मेल फिगर आता है दिमाग में, बट अब मर्दानी की वजह से एक फीमेल कॉप का भी एक आ रहा है. व्हाट इज दैट वन थिंग यू टुक बैक फ्रॉम शिवानी? मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपने साथ एक किरदार का रह जाता है, तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू ऑलवेज कीप क्लोज टू? जिस तरह से फियरलेस तरीके से वो जो क्राइम को टैकल करती है, कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है उसका जैसे सामना करती है. हाउ डज दैट हैपन? लाइक यू नो, यू आर गोइंग इन द सीन एंड यू नो स्टफ लाइक दिस हैज हैपेंड एंड हाउ डू यू कीप दैट पोकर फेस ऑन? मतलब ये होता कैसे यार? दैट्स माय जॉब. गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल जॉब दैट शी डज. ओके, दिस इज शो दैट वी डू कॉल्ड लेट्स अंताक्षरी मिर्ची टॉप 20. उसमें हमारे सेंसेक्स समझ लो गानों का है ये. तो यहाँ पर तीन गाने जो हमारे टॉप के हैं, आई वांट टू डू सम गेस वर्क विद यू. तो एक जो गाना है हमारे टॉप 3 में वो है पछताओगे, जो अरिजीत ने गाया है, बी प्राक उसके सिंगर है. लेकिन दो लीड एक्टर्स हैं इसमें, तो वो कौन है आपको पता है जो पछता रहे हैं? सॉरी, हाउ इज द जोश? उरी नहीं, विक्की. विक्की, सॉरी, विक्की कौशल. अच्छा, विक्की एंड नोरा. ओके, जय जय शिव शंकर कौन सी पिक्चर का गाना था? वॉर. यस, इट्स योर फिल्म. आई वाज लाइक ओके, मैं बोल रहा हूं जय शिव वॉर. यस. अच्छा, ये शहर की लड़की भी वो मोस्ट ब्यूटीफुल ऋतिक रोशन. मस्त है. एब्सोल्युटली. कभी किसी को बताना मत बॉडी कैसे बनती. दैट वाज एन एपिक वीडियो. शहर की लड़की भी वापस आई है, रिक्रिएट हो गए. वो किसने गाया? रियली? हां, रियली. Okay, I'm so sorry. I'm not with the times. It's your boy. Forgive me being a dinosaur. It's your boy, Badshah. थैंक यू.